Assalamu alaikum dear students, today we start the chapter number 3 of the science class 8 cell heredity and evolution. आज हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. इस चैप्टर के आप इससे पहले दो चैप्टर हम कर चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सेल. ये सारे ज़्यादा किसके बने हुए हैं, हेरिडिटी, उनसे जो खसूसियात वालदेन से औलाद में ट्रांसफर होती है उसके बारे में. और एवोल्यूशन का मतलब है कि इर्ता का तब्दीली जो सालों के बाद होती है, एक दो दिन या एक दो साल के बाद नहीं, बल्कि 100 साल या 200 सालों के, हज़ारों साल के बाद जो तब्दीली आती है उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं. These are the word meaning of this chapter. First word cell means phloem. Phloem किसे कहते हैं? ठीक है, first word is cell माना phloem. Heredity पैदाइशी खसूसियात जो इंसानों में ट्रांसफर होती है from parent to offspring. Evolution नजरिया इर्ता का, तब्दीलियाँ जो 100 साल या 1000 सालों के बाद होती है उसे हम evolution कहते हैं. Characteristics खसूसियात, पैटर्न नमूना या तरीका, वेरिएशन मुख्तलिफ, म्यूटेशन तब्दीली, वो तब्दीली जो अचानक से हो जाए जो इंसान के जीन्स के हेरिडिटी मटीरियल या कैरेक्टर्स में हो जाए उसे हम म्यूटेशन कहते हैं. दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द डीएनए. अ क्रोमोसोम कंटेन अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब डीएनए जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, डी से आता है डी ऑक्सी राइबो और एन से आता है न्यूक्लिक और ए से आता है एसिड, जिस नॉन एज ए डीएनए शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीएनए इज कंप्लीट वर्ड इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब डीएनए है क्या? डीएनए वो डेटा, वो मटेरियल जो वालदेन से ट्रांसफर होता है औलाद की तरफ, जिसके जरिए उनमें खसूसियात वो पाई जाती है. तो शक्ल सूरत में वालदेन जैसे औलाद दिखती है, ठीक है, यहाँ तो उनमें वो आदतें मौजूद होती हैं जो पेरेंट्स में मौजूद होती हैं. जैसे कोई गिज़ा अगर वालदेन को किस पसंद होती है तो वही औलाद को पसंद होती है, या कोई चीज़ नापसंद होती है तो वही उसमें होती है. किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है पेरेंट्स को तो उसी में से औलाद में ट्रांसफ़र हो जाता है कि उनमें. तो ये एक हेरिडिटी मटीरियल है या डेटा है जो वालदेन से ट्रांसफ़र होता है औलाद की तरफ. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. ये डीएनए की स्ट्रक्चर है जो इंसान या हर जिंदा चीज़ में मौजूद होती है. हर जिंदा चीज़ का अपना डीएनए होता है. पहला सवाल ये था आपका और इसका जवाब, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट फंक्शन ऑफ डीएनए. अब डीएनए का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. दैट इज इन कंटेंट दैट इंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज स्किन कलर, आई कलर, एटीसी. दीज थिंग्स आर वेरी, ठीक है, डीएनए कंट्रोल द डेवलपमेंट पेरेंट्स, ठीक है, जितनी भी खसूसियात वालदेन में से औलाद में ट्रांसफर होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, जैसे उनमें शुमार होता है स्किन की कलर, जैसे वालदेन में जो है औलाद में वही आएगी, ठीक है, वही कलर, आई कलर, हेयर कलर एंड अदर थिंग्स जो भी होती हैं वो वालदेन से औलाद में ट्रांसफर होती हैं, वैसे बन जाते हैं जो उनमें मौजूद होती है, उनको कहते हैं डीएनए के थ्रू ही होता है. इनके जरिए सारी डेटा मटेरियल उसी में होता है मौजूद. थर्ड वन है, व्हाट इज द जायगोट एंड फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट. एक अंडा जब कंप्लीट बन जाता है तो उसे फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, उसे कहते हैं जायगोट, जिसमें से बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है. एग के अंदर जब एग अगर किसी भी एग का जानदार होता है जैसे बर्ड या चिकन वगैरह का, तो वो भी फर्टिलाइज हो जाता है. इंसानों के अंदर एक होता है तो वो भी जब फर्टिलाइज हो जाता है, जिसमें से आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है पेट के अंदर, तो उसे जायगोट कहा जाता है, फर्टिलाइज एग. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज एग. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द हेरिडिटी. द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड, ठीक है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी. जितनी भी खसूसियात हैं हमारे तरफ वालदेन से आती हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर वालदेन जैसे दिखते हो, क्यों
पेरेंट जैसे दिखते हैं, क्योंकि आपके अंदर वही खसूसियात है, वही डेटा है जो वालदेन से जो आपको मिला है उन्हीं से आप बने हैं। डुप्लीकेट कॉपी समझ लें ऐसा कि फोटो कापी की तरह, जैसे जो लिखा होता है वैसे ही इंसान फोटो कापी करवाता है तो वैसे ही चीज़ बन जाती है। व्हाट इज़ अ म्यूटेशन? अब ये तब्दीली क्या है? एक तब्दीली आ जाती है अचानक से। म्यूटेशन क्या है? समटाइम व्हेन सेल डिवाइड, जब इंसान के अंदर सेल डिवाइड होते हैं, टूटते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और अ जीन मे चेंज, दीज चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन। जब इंसान बनता है पेट के अंदर या अंडे के अंदर, जब जानदार बनता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, तो उनमें अगर तब्दीली या जीन्स में तब्दीली आ जाती है तो उस जानदार में म्यूटेशन हो जाती है तब्दीली, जिसकी वजह से किसी की आइज अचानक से तब्दील हो जाती है। कभी आपने ब्लू आइज, पर्पल आइज या इस तरीके से ब्राउन आइज जो देखी होती है, किसी वालदेन में नहीं होती लेकिन औलाद में हो जाती है, इसी वजह से, क्योंकि वो म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। या किसी जानदार के अंदर ऐसी तब्दीली आ जाती है जैसे किसी के मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मकनातीसियत की तरह कोई लोहे की चीज़ें चिपक जाती हैं उसके जिस्म में, या किसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, तो ये म्यूटेशन होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं, रेडिएशन की वजह से हो सकती हैं, माँ के पेट के अंदर बच्चा जब होता है या एक के अंदर होता है तभी हो सकती हैं, उसको हम म्यूटेशन तब्दीली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा, व्हाट कॉज म्यूटेशन? म्यूटेशन अब कैसे होता है और उसके सबब क्या बनते हैं? डाउन सिंड्रोम एंड हेमोफीलिया आर टू डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की यहाँ पे दो बीमारियों के बताया गया है, डाउन सिंड्रोम जिसमें बच्चा थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर्ड होता है, पागल पूरा नहीं होता पर थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड होता है ऐसे लगता है। हेमोफीलिया एक डिजीज है जिसके जरिए इंसान में या जानदार में इंसान में ब्लड की कमी होती है, उसके अंदर ब्लड नहीं बन पाता तो हर महीने उसे ब्लड दिया जाता है। एक और डिजीज है जिसके जरिए प्लेटलेट्स इंसान में कम हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें अगर थोड़ा सा भी खून निकलता है तो खून निकलता जाता है और बंद नहीं होता जब तक उस जख्म को किसी चीज़ के साथ ब्लॉक या बंद नहीं करते हैं, तो वो भी एक डिजीज होती है जिससे इंसान के जरिए म्यूटेशन में आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज इवोल्यूशन मीन? इर्तका या तब्दीली का इर्तका या तब्दीली का क्या मतलब है? एवोल्यूशन मीन चेंज एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू बिगिनिंग। एवोल्यूशन वो तब्दीली है जो सादे से शुरुआत होती है और आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो जाती है, जिसमें आप तस्वीर देख रहे हैं कि पहले बताया जाता है कि जिराफ जो था वो साइज में बहुत ही छोटा था, ऐसा ऐसा जब उसका उन्होंने ऊपर वाली चीज़ों को खाना स्टार्ट कर दिया तो और उनकी हाइट बढ़ती गई, तो उनके बच्चे जब पैदा हुए तो उनकी और हाइट ऊँची थी, जो उनका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी और हाइट ऊँची थी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी हाइट और ऊँची होती गई और बढ़ती गई, तो इस तरीके से एवोल्यूशन होती गई है, एक दो दिन में नहीं सालों में जनरेशन टू जनरेशन तब्दीली आती है। जैसे अगर इसकी औलाद पैदा हुई तो उसकी औलाद पैदा हुई तो उनमें और तब्दीली आ गई, थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, जब इसकी औलाद पैदा हुआ तो उसमें और तब्दीली आ गई, जब इसकी औलाद हुई तो उसमें और तब्दीली आ गई, तो ये जनरेशन टू जनरेशन तब्दीली आती है। जैसे एक और एग्जांपल है कि जैसे स्नेक के बारे में कहा जाता है कि पहले उसके पाँव हुआ करते थे, ऐसा ऐसा उनके जब पाँव कम होते गए होते गए होते गए और ऐसा टाइम आ गया कि स्नेक में से बिल्कुल ही पाँव ख़त्म हो गए और फीटलेस बन गए, तो ऐसे एवोल्यूशन, ऐसी तब्दीलियों को हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब साइंस के हिसाब से ये चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो इस चैप्टर में आपके सिर्फ 7 सवाल हैं और उसके बारे में आपके ये वर्ड मीनिंग है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये चैप्टर सेल हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है आपका सेल हेरिडिटी और इवोल्यूशन, ये तीसरा चैप्टर है, जिन्होंने 2 चैप्टर नहीं किए जिन्होंने कर लिए हैं वो तीसरा चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं, सेल हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है, सेल खुली है जिससे सारे जानदार बने हुए होते हैं, हेरिडिटी पैदाइशी हम खसूसियात जो होती हैं, इवोल्यूशन नजरिया इर्तका कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात पैटर्न नमूना या तरीका, वेरिएशन मुख्तलिफ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नहीं मुख्तलिफ, और म्यूटेशन तब्दीली। व्हाट इज द डीएनए? क्रोमोसोम कंटेन अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डीएनए, द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, डीएनए का शॉर्ट फॉर्म है, किस कंप्लीट वर्ड इसका है, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए है क्या, जितने भी जानदार हैं वो इसी चीज़ के बने हुए हैं, जो उनके अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है, जिसके जरिए आपका पूरा डेटा, पूरी इंफॉर्मेशन, वालदेन की इंफॉर्मेशन आपकी सारी उसी में डिकोडेड होती है, जिसमें आदतें खसूसियात सारी इंक्लूडेड उसी के अंदर मौजूद होती हैं। और इसका फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन या काम क्या है, फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, जितनी भी खसूसियात हैं आपको वालदेन से औलाद में ट्रांसफ़र होती हैं, उस खसूसियात इसी के अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके औलाद वालदेन में थी। इट कंटेन दैट इंस्ट्रक्शन इसमें मौजूद होता है, स्किन सच एज स्किन कलर, आई कलर, ईटीसी आंखों का कलर, ठीक है, जिस्म का कलर, हेयर कलर, ये सारे जो कलर्स मौजूद होते हैं वो भी डीएनए की वजह से मौजूद होते हैं, उन्हीं के थ्रू आते हैं हमारे अंदर। व्हाट इज द जायगोट, अ फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट, जिस ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो जायगोट बन जाता है, जिसमें से आहिस्ता आहिस्ता पेट के अंदर बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है, तो उस फर्टिलाइज एग को हम जायगोट कहते हैं। व्हाट इज द हेरिडिटी, द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी वो है जो हमारे अंदर खसूसियात आती हैं वालदेन में से, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। व्हाट इज द म्यूटेशन, वो तब्दीली जो अचानक से आ जाए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान, जो तब्दीली होती है सेल के अंदर, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के सबब या ऐसी कौन सी बीमारियां जो म्यूटेशन की वजह से होती हैं, डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है और हेमोफीलिया बीमारी है, दो किस्म की जो इससे म्यूटेशन की वजह से होती हैं। एवोल्यूशन, इर्तका या वो तब्दीली जो आहिस्ता आहिस्ता हो और शुरुआती दौर में सिंपल से लेके आसान से लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड तक हो, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, पर ये वो तब्दीली है जो आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो ये आपका चैप्टर था और इस चैप्टर के सात सवाल हैं और वर्ड मीनिंग है, बस यहीं तक आपका इस मंथ का सिर्फ एक चैप्टर है और यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट होगा। जो बच्चे काम मुकम्मल कर रहे हैं